वेलकम टू द गेट एकेडमी। और गेट एकेडमी लेके आ रहा है आपके लिए कि एसएससी का भी आप लोग टारगेट कर रहे हैं, कई लोग एसएससी जेई है ना 2022 को टारगेट कर रहे हैं, है ना। और ये कब होने वाला है? ये नवंबर में होने वाला है ना, ये नवंबर में होने वाला है। ओके, अब ना कुछ स्टूडेंट्स को क्या डाउट आता है कि सर अगर टेस्ट सीरीज परचेज करें तो उसका फुल यूज़ कैसे करें। ठीक है, टेस्ट सीरीज परचेज करें तो उसका फुल यूज़ कैसे करें और उसको कब कब यूज़ करें। ठीक है, तो पहले तो आप एक टेस्ट सीरीज ऐसी लो जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होने चाहिए, है ना, सब्जेक्ट टेस्ट भी होने चाहिए, कंबाइंड सब्जेक्ट टेस्ट भी होने चाहिए और मॉक टेस्ट भी होने चाहिए, मतलब फुल टेस्ट भी होने चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे आपने एक चैप्टर किया तो उस चैप्टर का टेस्ट लगा लो, आप कोई टॉपिक किया तो टॉपिक का टेस्ट लगा लो, तीन चार चैप्टर कर लिए तो उनका एक कंबाइंड टेस्ट लगा लो, फिर आपका सिलेबस हो गया उसके पहले आप एक एक दो मॉक पहले लगा लो और बाकी के जो बचेंगे मॉक वो बाद में लगा लेना। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसलिए आपके पास जो टेस्ट सीरीज हो वो कैसी हो, उसमें सब तरह के टेस्ट अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट ही है। ठीक है, तो आपको पता नहीं चल पाएगा, आप अपनी तैयारी को चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले बात तो टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है। ठीक है, पहले बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो अब देखो मुझे ना कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं जिन टेस्ट सीरीज देखो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सबके लिए है, ठीक है, जिनको एग्जाम से डर लगता है ना, जिनका एग्जाम फियर है, फियर उनके लिए जरूरी है। कैसे एग्जाम फियर है, मतलब जैसे अगर आप किसी चीज से डरते हो, अगर वही वही चीज का सामना रोज हो जाए ना तो आपका वो डर निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे कई बच्चे ना एग्जाम से डरते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले उनको नींद नहीं आती, खाना पीना भूख सब मर जाती है ना, फिर उसकी चीज वो चीज जो है ना वो आपको एग्जाम में भी दिखती है ना, उसका इफेक्ट जो है आपको एग्जाम में भी दिखता है। तो अगर आप बार बार टेस्ट सीरीज दोगे और उतना ही क्या हो, उतना ही डिसिप्लिन से जैसे आप मेन एग्जाम देते हो वैसे टेस्ट सीरीज दोगे तो आपका ये एग्जाम फियर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इतने सारी वैकेंसी तो वेस्ट नहीं कर सकते ना हर बार एग्जाम दे दे के। ठीक है, तो उनके लिए बहुत सही है। अब जिनको रिवीजन करना है, जिनको रिवीजन करना है ना, जिनको रिवीजन करना है उनके लिए टेस्ट सीरीज बेस्ट है कि अब है ना। और तीसरा, जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्थिति में क्या होता है, रिवीजन करने में ना आलस आता है, कई बच्चों को कंटाल आता है कि यार अब पढ़ तो लिया है एक बार, पता तो है, अब क्या पढ़ूं, ये नहीं पता रहता कि क्या पढ़ूं। ठीक है, या फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो अभी तक जब कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था तो हम ना डेली पढ़ रहे थे, डेली 10 घंटा 8 घंटा रोज पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब एकदम से कोर्स खत्म हो गया तो अब कुछ पढ़ने को नहीं है, अब क्या पढ़ूं, मेरा तो सब पढ़ा पढ़ाया है ना। तो क्या होता है, तब आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हो है ना, जब आप रिवीजन करना हो किसी सब्जेक्ट का, ऐसे करने बोलूंगा तो नहीं करोगे है ना, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि हाँ अब सब्जेक्ट टेस्ट दिया। जैसे मान लो आपका एक कोई सब्जेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, मान लो आपका क्या हो गया, आपका सर्वेइंग खत्म हो गया। ठीक है, आपने सर्वेइंग पूरा पढ़ लिया जो भी सिलेबस में था। ठीक है, अब मुझे इसके शॉर्ट नोट बनाने हैं, उसके पहले मैं क्या करूंगा, उसके पहले मैं इसका एक सब्जेक्ट टेस्ट दे दूंगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट टेस्ट दे दिया मैंने। सब्जेक्ट टेस्ट देने से क्या हुआ, सब्जेक्ट टेस्ट देने से मुझे उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गए है ना, और जहां जिस टॉपिक में मैं लैग कर रहा था है इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गए, और आप जिस जो आपको डिफिकल्ट लगते थे वो टॉपिक आपने मार्क हो गए, डिफिकल्ट टॉपिक, दोनों चीज पता चल गई कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और डिफिकल्ट कौन सा है आपके लिए। अब इन दोनों को बस आप किस में डालोगे, शॉर्ट नोट में, बाकी कुछ भी शॉर्ट नोट में डालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप फुल टेस्ट सीरीज का उपयोग कर सकते हो। पहली बात तो किसके लिए जरूरी है, तो सबके लिए जरूरी है टेस्ट सीरीज। यूज कैसे करना है, जैसे ही सब्जेक्ट हुआ वैसे ही सब्जेक्ट टेस्ट दो है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिफिकल्ट टॉपिक, और उससे शॉर्ट नोट बना लो। ठीक है, फिर या फिर आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ा, सर्वे का ही कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो
तो आप टॉपिक टेस्ट दे दो, आप टॉपिक टेस्ट दे दो, ठीक है, आप टॉपिक टेस्ट दो, टॉपिक टेस्ट दो, वहां से आपको ये दोनों चीजें पता चल जाएगी कि उस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है और आपके लिए डिफिकल्ट क्या था, ठीक है। ऐसे ही अब आपके दो तीन सब्जेक्ट खत्म हो गए तो कंबाइंड टेस्ट दो, ठीक है। तो सर ये कहाँ से मिल सकता है हमको ऐसी टेस्ट सीरीज, है ना, जिसमें कंप्लीट टेस्ट हो, सब्जेक्ट टेस्ट हो। तो गेट अकेडमी आपके लिए लाया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE और ऑल स्टेट JEE, ठीक है, बाकी जो JEE निकलते हैं उनके लिए भी। अभी ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 150 इंक्लूडिंग GST में, ठीक है। तो क्या 150 में सर आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो? नहीं, हम दे रहे हैं आपको टोटल टॉपिक वाइज 30 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज 15 टेस्ट और कंबाइंड सब्जेक्ट के 6 टेस्ट और मॉक टेस्ट दे रहे हैं 10। तो टोटल हम आपको 61 टेस्ट दे रहे हैं, मतलब 60+ टेस्ट हैं ऑनलाइन। और क्वेश्चन कितने होंगे? तो हर हर एक टेस्ट में जो कि टॉपिक के ऊपर होगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, हर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और हर कंबाइंड सब्जेक्ट टेस्ट में भी 50 क्वेश्चन होंगे और मॉक टेस्ट में तो 200 होंगे ही, क्योंकि पेपर तो 200 का आता है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास टोटल 3800+ क्वेश्चन हो जाएंगे 150 रुपये में, तो कोई बुरा नहीं है। 3800+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना 150 रुपये में, बहुत आपकी बहुत तैयारी के लिए बहुत आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, टेक प्लस नॉन टेक दोनों हैं और विद सॉल्यूशन और आंसर की दोनों चीज हैं, ठीक है। तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आंसर या सॉल्यूशन के लिए, ओके। तो आप ज्वाइन कर सकते हो गेट अकेडमी की SSC की टेस्ट सीरीज, और कैसे यूज करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो अब लग जाओ और बन जाओ JEE, ओके।